सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछले टर्म पे हमने आप लोगों को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं वो सिखाया था। आज हम लोग इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिस वेक्टर्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझेंगे। बेसिस वेक्टर्स को आप लोग अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर्स के नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस के दिशा में आई कैप, वाई के दिशा में जे कैप और जेड एक्सिस के दिशा में के कैप, उसी प्रकार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा एंड फाई, तो आर के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा या उसको यूनिट वेक्टर नहीं उसको बेसिस वेक्टर बोलते हैं। तो आर के दिशा में बेसिस वेक्टर, थीटा के दिशा में और फाई के दिशा में डायरेक्शन में हम लोग बेसिस वेक्टर निकालने वाले हैं, ठीक। यही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो पिछले टर्म का आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसको देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक बेसिस वेक्टर भी नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं इसको शॉर्ट में एकदम समझा देता हूँ कि देखिए अभी तक हम लोग क्या समझे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग तीन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं आर थीटा और पाई, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई और जेड होता है। ये जो होता है ये रेडियल डिस्टेंस कहलाता है या रेडियल कोऑर्डिनेट। जो थीटा होता है उसको कोलेटिट्यूड एंगल बोलते हैं और जो फाई है उसको एजुमिथल एंगल बोलते हैं या एजुमिथल कोऑर्डिनेट, इसको कोलेटिट्यूड कोऑर्डिनेट थीटा। इन्हीं के टर्म्स में और एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई के टर्म्स में जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक। तो आज हमें आर के दिशा में बेसिस वेक्टर आर कैप का वैल्यू निकालना है, थीटा के दिशा में बेसिस वेक्टर थीटा कैप और यहाँ पे फाई के दिशा में जो बेसिस वेक्टर होगा वो फाई कैप, इन्हीं तीनों का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सेगमेंट को। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, सेम डायग्राम हमने पिछले टर्न पे भी आप लोगों को समझाया था लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। देखिए यहाँ पे पहले तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ स्पेस में कोई एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो एक्स वाई जेड होगा और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो आर थीटा और पाई। तो एक्स वाई जेड तो समझ में आया कि इस पॉइंट पी से हम लोग एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ओ से लेके वहां तक की दूरी क्या हो जाएगी एक्स, इसी प्रकार ओ से लेके ये दूरी एस तक क्या हो जाएगी वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगी वाई और ओ से आर तक की दूरी क्या हो जाएगी एक्स और ओ से लेके जेड तक की दूरी क्या हो जाएगी टी तक का, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना यहाँ, तो ये ओ से लेके टी तक की दूरी एक्स जेड सॉरी, तो ये एक्स वाई जेड ये तीनों डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से लेते हैं। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुआ। अब इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर यानी ओरिजिन इस मूल बिंदु से इस पॉइंट पी का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हो गया आर पहला कोऑर्डिनेट। थीटा क्या होता है, थीटा होता है जो वर्टिकल जो जेड एक्सिस होता है जो एक्स वाई प्लेन के जो वर्टिकल जेड एक्सिस है उस एक्सिस से जो इस आर वेक्टर का एंगल है वो होता है थीटा, जिसे कोलेटिट्यूड एंगल कहते हैं। ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा क्या होता है पाई, पाई क्या होता है ये जो आप एक्स वाई प्लेन में हम लोग एक्स वाई प्लेन के ये परपेंडिकुलर हम लोग जो ये वाला जो प्लेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस प्लेन को देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो प्लेन जो जा रहा है ऊपर की ओर ये जो ओ से लेके क्यू जो ओ क्यू है, अच्छा ओ क्यू कैसे आया देखिए सुनिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। इस पॉइंट पी का जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन में तो वो आएगा क्यू। इसको ड्रॉ करने के लिए आप ऐसे सोचिए कि आप स्पेस में आपके हाथ में पॉइंट पी पे एक गेंद है, आप उस गेंद को छोड़ते हैं तो गेंद जमीन पे जिस पॉइंट पे इस प्लेन में गिरेगा वो हो गया क्यू। अब इस क्यू से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे एस पे, तो यहां से यहां तक की दूरी अभी अभी मैंने बताया कि वाई होगा। इसी प्रकार हम क्यू से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो आर, तो ओ से आर तक की दूरी एक्स हो जाएगी। अब यहां ओ से सीधे क्यू को मिला दीजिए, ये जो आप मिलाए हैं ये टी से पी को मिलाएंगे तो भी ये वही आएगा। तो ये जो प्लेन जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है ये पूरा का पूरा प्लेन जो जेड एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है ये पूरा प्लेन में ही ये आर वेक्टर आ जाता है, इसी प्लेन में ये आर वेक्टर भी रहता है। तो ये पूरा प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो होता है फाई। अब पूरे प्लेन को अगर समझने में आपको प्रॉब्लम होती है तो केवल आप इसको समझिए, ये ओ से क्यू तक का ये जो वेक्टर है ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा फाई।
क्लियर हुआ। तो ये हम तीनों कोऑर्डिनेट समझ लिए। अब ये जो r थीटा फाई है और जो इनके डायरेक्शन में जो बेसिस वेक्टर जैसे r, अब इसी r को हम लोग सीधे ऊपर की ओर बढ़ाते चले जाएं इसी के डायरेक्शन में, तो जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो r कैसे निकलेगा, समझ में आया। इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट है ना, ये किसी न किसी स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है, उस स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा जिसका रेडियस यानी त्रिज्या r होता है। मतलब आप इसको लेके एक स्फीयर बनाएंगे ना, तो ये समथिंग है कि स्फीयर नुमा ऐसे बन जाएगा। अब इसी स्फीयर के ऊपर ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P पे स्फीयर के ऊपर लंबवत सीधे ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा तो आपको R कैप मिल जाएगा। अब थीटा के डायरेक्शन में कैसे बढ़ेंगे ये देखिए, ये जो R है ये इस डायरेक्शन में थीटा जा रहा है, इस R वेक्टर का Z एक्सिस से जब एंगल बना रहे हैं तो इस डायरेक्शन में थीटा, तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो उसी डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे यानी इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हमें थीटा कैप मिल जाएगा, क्योंकि भाई इस T से P तक को ऐसे जब थीटा के दिशा में घुमाएंगे तो ये इधर आएगा ना डायरेक्शन, तो ये हमारा थीटा कैप मिल गया। अब फाई के डायरेक्शन में हमें बेसिस वेक्टर मिलेगा फाई कैप, वो कैसे मिलेगा ये देखिए, ये फाई, इसी फाई के डायरेक्शन में आप इस पॉइंट क्यू को बढ़ाइए तो ये आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब हम फाई कैप को निकालेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में सीधे इस तरफ बढ़े तो ओक्यू कैप मिलेगा, ओ से क्यू के डायरेक्शन में ओक्यू कैप। अब लेकिन हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, फाई तो इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है ना, तो यहाँ पे एक आप स्पर्श रेखा टाइप का ये टेंजेंट बनाएंगे तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वो फाई का होगा, और ये फाई को अगर इस फाई कैप को, इसी को हम बोलेंगे फाई कैप, इस फाई कैप को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये यहां पे इस डायरेक्शन में हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इस दोनों को देखिए, क्यों एक जगह ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि तीनों को एक जगह हमें देखना पड़ेगा ना, तब जाके हम इनको अच्छे समझेंगे। तो अब यहां पॉइंट पी पे मैं देखिए तीनों दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन में आर के दिशा में क्या आया, आर कैप, आर कैप से परपेंडिकुलर इधर बाहर की ओर निकलेंगे तो थीटा कैप, और इन दोनों के परपेंडिकुलर इस प्लेन यानी इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जब हम दूसरी ओर जाएंगे तो हमें पाई कैप मिलेगा। यानी ये आर कैप, थीटा कैप, पाई कैप जो तीनों बेसिस वेक्टर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए मैंने ये आर और फाई के बीच में एंगल 90 डिग्री, पाई कैप और थीटा के बीच में 90 डिग्री बनाया है, समझ में। ये एक जो दीवार के जो तीन, जब तीन दीवार मिलता है किसी कोने में तो ये जो एक्सिस जाते हैं उसी तरह का ये भी है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे इसको मैं अगर अलग से यहाँ पे बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो ये देखिए अगर P पॉइंट पे ये R कैप ऊपर जा रहा है तो थीटा कैप इसी के प्लेन में, ध्यान रहे R कैप वाले के ही प्लेन में, ऐसे बोल रहा हूँ, R कैप वाला थीटा कैप वाले का प्लेन सेम है, बस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, R और थीटा इसके बीच में भी 90 डिग्री का है, तो ये इनका हो गया। लेकिन ये जो फाई कैप है इस प्लेन यानी जिस प्लेन में R कैप और थीटा कैप है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर या तो जैसे इसमें मैंने बताया है अंदर की ओर जा रहा है 90 डिग्री पे, यानी यहां भी ये 90 डिग्री बना रहा है और इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। जैसे एक दीवार के कोने पे ये जो दीवार्स होते हैं तीनों वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उस प्रकार से ये बना रहा है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालेंगे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको पिछले टर्न पे मैंने पढ़ाया था, क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक। इसको हम लोग यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, ये पिछले टर्न पे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाके इसको चैनल पे देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट थर्ड नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर वहां पे आपको दिक्कत हो रहा है खोजने में प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां नीचे पूरे कोर्स का यूनिट वाइज लिंक दिया हुआ है, आप वहां से नोट्स और ये पूरे कोर्स के वीडियोस वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे शुरू करते हैं। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक। ये थीटा के एंगल, फाई के एंगल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और आर थीटा फाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए हमें बेसिस वेक्टर निकालना है। तो द बेसिस वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर थीटा फाई। ये कहना चाहता है कि आर कैप का जो आर कैप जो बेसिस वेक्टर है वो आर को उसी की दिशा में बढ़ाने पर मिलेगा, थीटा कैप जो बेसिस वेक्टर है वो थीटा को उसी के दिशा में बढ़ाने पे मिलेगा, और फाई कैप जो बेसिस वेक्टर है वो फाई को उसी के डायरेक्शन में बढ़ाने पे मिलेगा। कैसे बढ़ाते हैं उसी के डायरेक्शन में, तो मैं समझा ही दिया, आर कैप को उसी के दिशा में बढ़ाइए,
थीटा इस दिशा में जा रहा है तो चलिए थीटा कैप को उस दिशा में बढ़ाइए, फाई इस प्लेन में उस दिशा में जा रहा है तो चलिए फाई को ऐसे बढ़ाइए, तो उसी के दिशा में इनको बढ़ाएंगे तो हमें सारे ये वेक्टर्स मिल जाएंगे और इनको मैं एक जगह पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ। बस फाई वाले में दिक्कत होता है कि इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ता है यहाँ, बट उसको पैरेलली हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमें यहीं पे फाई कैप का भी डायरेक्शन दिख जाएगा, क्योंकि फाइनली आपके पास तो केवल एक ही पॉइंट पी है ना, जो कुछ बनाना है वो इसी पॉइंट पी पे ही बनाना है, तो समझिए भले ही यहाँ से लेकिन उसको फिर बाद में वहां से ही आपको समझना है। अब देखिए r वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये तो सब लोग लिखना जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां से r वेक्टर बराबर इस x का मान ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ये x y z जो तीनों हैं इनका मान हम यहां पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, r sin थीटा cos phi i कैप प्लस r sin थीटा sin phi j कैप प्लस r cos थीटा k कैप। यहां से काम करिए r कॉमन लीजिए और इसके बटे में कर दीजिए, तो देखिए किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वह है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है यानी r कैप मिलेगा, तो r वेक्टर बटे r, r केवल मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, तो ये क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। समझ में आया ना, केवल डायरेक्शन, r कैप क्या बताता है, केवल डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट होगा, यही में होता है यूनिट वेक्टर का। जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 100 यूनिट है और इसका कोई डायरेक्शन है, अब इसमें इसी के मैग्नीट्यूड यानी r यानी 100 से भाग देंगे तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो गया बट डायरेक्शन अभी भी इसके अंदर बचा है, उसी डायरेक्शन को हम r कैप से दर्शाते हैं। ठीक, तो r कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसमें केवल डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि इसको उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देकर निकाला गया है, तो ये हमें हमारा पहला यूनिट वेक्टर मिल गया। अब मैंने समझाया था आपको कि r कैप और थीटा कैप दोनों जरूर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पर दोनों का प्लेन एक ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में अगर थीटा को थीटा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे तो इस r कैप की जगह हमें क्या मिल जाएगा, थीटा कैप। क्यों, क्योंकि सिंस द यूनिट वेक्टर थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू r कैप, तो ऐसे केस में हालांकि फाई कैप भी आर कैप के परपेंडिकुलर होता है, बट मैंने बोला कि फाई कैप का जो प्लेन है इन दोनों के प्लेन को छोड़ के परपेंडिकुलर हो जाता है, इसीलिए फाई कैप नहीं, हमें उसी प्लेन में आर कैप के ही प्लेन में थीटा कैप है बट परपेंडिकुलर है। जैसे ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं मोबाइल का ना, अगर मैं इसी स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन में यहाँ आर कैप ले लूं तो इसके परपेंडिकुलर इसी प्लेन में हमको थीटा कैप मिल जाएगा, जबकि फाई कैप जो है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के लंबवत आपके आंखों की ओर या तो बाहर की ओर निकल के आएगा इधर जेड एक्सिस के लंब, या तो अंदर की ओर निकल के जाएगा बट प्लेन को छोड़ देगा, तो वो दूसरे तरह से निकालेंगे। तो यहाँ थीटा कैप निकालने के लिए हम लोग क्या किए, थीटा को हम लोग थीटा प्लस 90 डिग्री से थीटा प्लस 90 ये थीटा के जगह हम लोग क्या कर देंगे थीटा प्लस पाई बाई टू ये पुट कर देंगे, तब जो आर कैप के परपेंडिकुलर जो यूनिट कैप आएगा वो हमारा हो जाएगा थीटा कैप। तो बस कुछ करना नहीं है, सब जगह जहां जहां थीटा था थीटा प्लस पाई बाई टू ऐड कर दीजिए और यहाँ पे साइन थीटा प्लस पाई बाई टू यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा थीटा कैप निकल गया। अब आता है हमें पाई कैप निकालना, तो पाई कैप निकालना थोड़ा सा जटिल है, इसके लिए देखिए क्योंकि अब ये इस प्लेन में है, फाई कैप हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ना ओ क्यू वेक्टर निकालेंगे, ध्यान से सुनिए पूरा प्रोसेस समझिएगा कैसे कैसे निकालना है, हम निकालेंगे ओ क्यू वेक्टर और जब ओ क्यू वेक्टर निकल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे ओ क्यू कैप, ओ क्यू कैप क्यों, क्योंकि इसी ओ क्यू के ही डायरेक्शन में जब हम लोग इधर बढ़ेंगे सीधे तो हमें मिल जाएगा ओ क्यू कैप। अब OQ कैप निकल जाएगा जो कि मैं बनाया भी हूं डायग्राम में, देखिए OQ कैप निकल जाएगा ना, तो OQ कैप वाले इक्वेशन में हम लोग थीटा को थीटा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे यानी थीटा प्लस पाई बाई टू से रिप्लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि OQ कैप के परपेंडिकुलर उसी प्लेन में है फाई कैप, यानी फाई कैप और OQ कैप के बीच में कितने का एंगल है 90 डिग्री, तो पहले हम लोग क्या करते हैं OQ कैप निकालते हैं, उसके इक्वेशन में थीटा को थीटा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे तो फाई कैप आ जाए। समझ में आया ना, क्योंकि हमें इस प्लेन में फाई कैप को निकालना है तो इसी प्लेन में हमें कोई वेक्टर चाहिए उसी प्लेन में, तो उसी प्लेन में हम वेक्टर OQ वेक्टर निकालेंगे फिर OQ कैप निकालेंगे फिर उससे हम लोग फाई कैप पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए OQ वेक्टर निकालते हैं, तो OQ वेक्टर निकालेंगे ये OQ वेक्टर, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए OS, O से S तक की दूरी क्या है, O से S तक की दूरी यहां पे O से S तक की दूरी तो y होगा ना, यहां पे OQ वेक्टर
ओक्यू कॉस थीटा, ठीक है चलिए हम लेके हमें ओक्यू की टर्म्स में निकालना, ठीक ये है ओक्यू, तो ओ से एस तक क्या हो जाएगा, ये फाई एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा ये फाई है, ये ओक्यू है, तो ये ओ आर क्या आएगा, ओ आर आएगा ओक्यू कॉस फाई, और यहां से यहां तक ये ओ एस क्या आएगा, ये आएगा ओक्यू साइन फाई, ठीक है ना, उसी के टर्म्स में हम लोग, हाँ ठीक सही बता रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये 3D में है तो समझना मुश्किल है, देखिए ये वाला पैरेललोग्राम का ये वाला ये है, क्योंकि ये एक प्रकार का कर्ण है हाइपोटेनस, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये आप हाइपोटेनस यानी कर्ण ले लेंगे तो ये ओ से लेके आर तक की दूरी आएगी ओ क्यू कॉस फाई, और यहां से यहां तक की दूरी ये, या यूं कह लीजिए ये दूरी क्या आएगी ओ क्यू साइन फाई, बस हमारा ओ क्यू वेक्टर बन गया, तो ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या बना, ओ क्यू कॉस फाई आई कैप प्लस ओ क्यू साइन फाई जे कैप, यही हमारा ओक्यू वेक्टर बन गया, और जैसे ही ये ओक्यू वेक्टर बन जाएगा देखिए तुरंत ओक्यू कैप निकल जाएगा, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये हमारा ओक्यू वेक्टर, ओक्यू वेक्टर बराबर ओ आर प्लस ओ एस, किस लॉ से, पैरेललोग्राम वाले लॉ से, तो ओक्यू बराबर ओ आर आई कैप प्लस ओ एस जे कैप, यानी ओ आर इज इक्वल टू ओक्यू कॉस फाई आई कैप प्लस ओक्यू साइन फाई जे कैप, क्योंकि ओ आर और ओ एस बाई ज्योमेट्री इतने होंगे, अब इस ओ क्यू को कॉमन लीजिए और इसके बटे में डालिए, तो ओ क्यू वेक्टर बटे ओ क्यू क्या निकल के आ जाएगा, ओ क्यू कैप, जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे आर वेक्टर बटे आर, यानी किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग देंगे तो उसका केवल यूनिट वेक्टर बचता है, तो यह आ जाएगा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। अब यहाँ पे देखिए ये फाई के टर्म्स में है, शायद मैं समझाते समय थीटा एक आध जगह बोल दिया था, अब देखिए यहाँ पे ये फाई आ गया, अब अगर इसमें इस इक्वेशन में जो ओ क्यू कैप आया है इसमें फाई को हम लोग फाई प्लस पाई बाई टू से रिप्लेस कर देंगे, तो जो यूनिट वेक्टर ओ क्यू कैप के लंबवत परपेंडिकुलर आएगा वही तो हमारा पाई कैप है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर डालते हैं, ठीक है देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि द यूनिट वेक्टर फाई इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू कैप, इसलिए फाई कैप बराबर यहाँ पे फाई प्लस 90 डिग्री, फाई प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 प्लस फाई इक्वल टू कितना माइनस साइन फाई, और यहाँ पे साइन 90 प्लस फाई इक्वल टू कॉस फाई, तो ये हमारा फाई कैप आ गया, समझ में आया, तो ये हमने तीनों जो हमारे वेक्टर्स हैं यहाँ पे सबसे पहले आर कैप, फिर थीटा कैप, फिर फाई कैप, ये हम लोग निकाल लिए, इसी को हम लोग बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज और याद रखेंगे, ये जो तीनों बेसिस वेक्टर्स होते हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब पहले तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये तो समझ में आया, जैसे इधर अगर आर कैप है ये थीटा कैप है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर यहाँ पे हो जाएगा फाई कैप, या बाहर की ओर भी हो जाएगा, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये तो समझ में आ गया, पर ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोगोनल मतलब इनको क्रम में, जैसे आर आर थीटा फाई के क्रम में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जैसे आर क्रॉस थीटा, तो आर क्रॉस थीटा निकालेंगे, जैसे यहाँ r क्रॉस थीटा माने r वेक्टर को थीटा के अलोंग जब रोटेट करेंगे तो r पे अपनी चार उंगलियां रखिए, और थीटा के जब इसको थीटा की ओर घुमाएंगे तो आपको अंगूठा जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है, यानी फाई कैप की ओर जा रहा है, तो r क्रॉस और r कैप क्रॉस थीटा कैप बराबर क्या आएगा फाई, यहाँ पे कैप है सर, हाँ कैप है, ये हो गया, इसी प्रकार क्रम में r क्रॉस थीटा फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप क्या आएगा आर कैप, और फाई कैप क्रॉस आर कैप क्या आएगा थीटा कैप, ठीक उसी प्रकार जैसे आई जे के में होता है आई कैप और जे कैप और के कैप, इसको क्रम में आई क्रॉस जे निकालेंगे तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के निकालेंगे तो आई कैप आएगा, और जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई निकालेंगे तो जे जे कैप आएगा, ठीक है ये इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अच्छा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार जाइए मैथमेटिकल फिजिक्स का जब यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया हूं ना उसके सारे वीडियोस देखिए, वो कॉन्सेप्ट और बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्रॉस प्रोडक्ट खासकर जो 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर डायरेक्शन निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार जरूर जाके वहां पे वो वीडियो जरूर चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से वहां पे मैं एग्जाम्पल दे के स्क्रू जो रूल होता है उससे हमने डायरेक्शन निकालना आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही लाइन एलिमेंट जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।